कल ओनली जीतना जरूरी नहीं नेपाल के लिए, नेसेसरी है। नेसेसरी कंडीशन है कि जीतना ही पड़ेगा, और उस जीत के लिए नीदरलैंड को किस तरह से टैकल करना होगा, किस तरह के प्लान्स एग्जीक्यूट करने होंगे, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कल के मैच के लिए। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि नेपाल वर्सेस नीदरलैंड मुकाबले के अंदर कौन सी टीम भारी है, कौन सी टीम कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड है, किस टीम के पास कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा है और किस टीम के पास कौन सा बॉलर सबसे अच्छा है। अब अगर नेपाल को जीतना है तो क्या क्या एग्जीक्यूशन करने होंगे, प्रैक्टिस किस अंदाज में करनी होगी, और इसके साथ साथ और कौन ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं चीज़ें सिखा सकता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल को कल ना केवल जीतना होगा बल्कि उसके साथ साथ एक अच्छे मार्जिन के साथ जीतना होगा, जिससे कि उनके रन रेट, नेट रन रेट होती है, उसके अंदर सुधार लाया जा सके और वो यहाँ पे सुपर सिक्स के अंदर अपनी जगह पक्की कर सके, क्योंकि सुपर सिक्स के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट के अंदर। उसी के लिए अभी हम खेल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे जब दो टीमों को सिलेक्ट करना होगा तो मतलब फाइनल तक तो हमें जाना ही पड़ेगा। अगर नेपाल फाइनल तक जाकर अगर फाइनल हार भी जाता है तो इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें इंटर कर जाएगी वर्ल्ड कप के अंदर, और वर्ल्ड कप के लिए ही हम तैयारी कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं विन प्रोबेबिलिटी की। तो विन प्रोबेबिलिटी नीदरलैंड की 64% दिखाई जा रही है गूगल के ऊपर, और 36% नेपाल की दिखाई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले मैच के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाफ नेपाल हारा था, लेकिन उसके अंदर विन प्रोबेबिलिटी 11% थी नेपाल की। लेकिन जिस अंदाज में खेला नेपाल, नेपाल ने एक सम्मानजनक स्कोर भी क्रिएट करा और जरूर यहाँ पे एक अच्छा टारगेट बनाने में कामयाब हुई वेस्ट इंडीज की टीम, लेकिन लगभग 250 रन तक पहुँचा दिया था नेपाल की टीम ने। यानी कि जो विन प्रोबेबिलिटी थी 11% दिखाई जा रही थी, उसे कहीं ना कहीं 40% तक ला दिया था। तो यहाँ पे अगर 36% ऑलरेडी विन प्रोबेबिलिटी है, तो अगर आप अच्छा कर सकते हैं, अगर आपका बैटिंग ऑर्डर कहें या फिर आपका जो ओपनिंग ऑर्डर कहें, जैसे कुशल भुटेल, जैसे आरिफ शेख, चाहे वो आसिफ शेख हो, दीपेंद्र सिंह एरी हो, या फिर इसके साथ साथ करण केसी, कुशल मल्ला, आसिफ शेख मैंने बता दिया, अर्जुन साउदी, गुलशन झा, ये सारे के सारे अगर अच्छा करते हैं बैटिंग के अंदर, तो हम इस विनिंग परसेंट को 50 से ऊपर ले जाया जा सकता है। और अगर 50 से ऊपर ले जाया जा सकता है तो मतलब ये हो गया कि इस विनिंग परसेंट से हम जीत जाएंगे, और यही हमें करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जीतने से पहले एक बार थोड़ा सा नीदरलैंड की टीम के ऊपर, यहाँ पे वो जो बहुत अच्छे खेलते हैं मैक्स ओ डाउंट, बहुत अच्छा खेलते हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ताजा निदामारू, ये भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, विक्रमजीत सिंह, और ये इनका कहना ही क्या, बहुत ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर हमारी बात करें दोस्तों, हमारी बैटिंग ऑर्डर की हमने बात कर ली, चाहे वो कुशल भुटेल हो, चाहे वो रोहित पोडेल हो, करण केसी हो, दीपेंद्र सिंह एरी हो, लेकिन अगर हम बात करें ललित राजवंशी की, तो एक अच्छे बॉलर के रूप में उभर कर आए हैं और उन्हें साबित करना पड़ेगा कल के मैच के अंदर। संदीप लामिचानी, जो कि हमेशा से खुद को साबित करते आए हैं, उन्होंने एक विकेट भी टैग करा था पिछले ही मैच के अंदर, धीरे धीरे रिदम के अंदर आ रहे हैं, लेकिन धीरे नहीं चलना होगा। अब कल के मैच के अंदर उन्हें कम से कम 3 विकेट निकालने होंगे, जैसा कि यहाँ पे कुशल मल्ला ने करके दिखाया है, जैसा कि उन्होंने करण केसी ने करके दिखाया है, कई जगह यहाँ पे किशोर महतो हैं, जैसे गुलशन झा हैं, ये सारे के सारे बॉलर्स जो भी हैं नेपाल के, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा करना होगा, क्योंकि पिछले मैच में आपकी पिटाई हो चुकी है, आपने जरूर 7 विकेट लिए थे लेकिन उन विकेट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने रन इतने ज़्यादा बनवा दिए, 339 रन, यानी कि 40 रन का टारगेट था नेपाल के सामने, तो विकेट टैकिंग का कोई फायदा नहीं। तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर टैकल करनी होगी नीदरलैंड के खिलाफ, एक तो रन देने नहीं है, दूसरा रन देने के साथ न देने के साथ साथ आपको विकेट भी डाउन करने हैं टाइम टू टाइम, जब जाके आप नीदरलैंड को रोक पाएंगे और एक अच्छे मार्जिन से जीत भी पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर अच्छे मार्जिन से जीत जाती है तो सुपर सिक्स के अंदर जगह बन जाएगी नेपाल की, और यही हम चाहते हैं। उसके बाद क्या होने वाला है वो तो आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नेपाल की टीम कल जीतने वाली है या फिर नहीं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले